जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है हमारे यहाँ दूसरा श्राद्ध और आज है दसवीं। तो उस दिन था पापा के पापा का श्राद्ध और आज है पापा के बाबा का श्राद्ध। तो हमारे यहाँ तीन श्राद्ध पड़ते हैं, अभी एक और रह गया है जो 14 को हुआ, वो अम्मा का हुआ। तो 14 को और होना है और बाकी मावस को तो समाप्ति हो ही जाएगी। तो यानी कि पूरे 15 दिन बिजी रहते हैं, पूरे दिन पूजा पाठ। और बोलते ना कि ये कनागतों का महीना है, तो इसमें अपने पितरों को जो कमियां रह जाती हैं हमसे साल में, जो हम नहीं कर पाते हैं, वो जो कनागत के महीना होता है, ये 15 दिन होता है। तो इसमें हम अपने पितरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो वो पितर भी अपने होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो खाना जो भी बनता है वो खाते तो हम ही लोग हैं, जो वो तो भावनाओं के भूखे होते हैं, देवता तो भावनाओं के भूखे होते हैं। तो बस वैसे ही। तो अब यहाँ पूजा वूजा मेरी सब हो चुकी है गाइस, और अब खाना वाना सब मैंने बना लिया है गाइस। और ये देखिए ये सब, तो यहाँ पे पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है और अब मैं री को जाने के लिए रेडी हूँ। और बहुत दिन से आपसे बात नहीं की है गाइस, क्योंकि बिजी चल रही हूँ, क्योंकि मुझे कनाफतों में ही मुझे ये टाइम है। और अभी इस बीच भी पार्लर पे कस्टमर आ रहे हैं, तो इसमें भी मुझे बीच बीच में, क्योंकि मैं अभी अपनी साड़ियों को तैयार कर रही हूँ और अपने ब्लाउज़ वगैरह वो तैयार कर रही हूँ, तो इस चक्कर में मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्योंकि जितना टाइम मिलता है मैं अपनी ब्लाउज़ तैयार करती हूँ, फिर साड़ियों पे फॉल वगैरह रखती हूँ, और अब पार्लर पे भी अगर कस्टमर आता तो उनको भी हैंडल करती हूँ। तो इस तरह से ये समय इतना बिजी चल रहा है, तो आपसे बातें नहीं कर पा रही हूँ गाइस, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपसे बातें करूँगी। वैसे तो मैं कोई VIP नहीं जो मुझे समय नहीं मिले, लेकिन जो लाइफ है अपनी, लेकिन फिर भी बिज़ी रहते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि दिमाग हमारा इधर उधर घूमता नहीं है फालतू बातों के लिए, वरना दिमाग में फालतू बातें आती हैं। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखो, खुश रहो। तो मिलते हैं रिको में जाने के बाद में। तो गाइस यहाँ पे हम रिको में आ गए और यहाँ पापा जी अपने पानी दे रहे हैं, अपने पितरों को पानी दे रहे हैं, और यहाँ मम्मी ठाकुर जी को नहला रही हैं, और मैं मम्मी के पैर छूने आई हूँ, और फिर मैं वापस चली गई हूँ दुकान में। और यहाँ पे फिर मैं अपने पूड़ियाँ बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि सब्जी और खीर वगैरह। तो गाइस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और क्योंकि पंडित जी आने वाले होंगे, पापा जी बोल रहे थे कि मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और गाइस लव और सुरभि दोनों स्कूल गए हैं, मैंने उनसे बोला था चलो कि नहीं माँ हम छुट्टी नहीं करेंगे, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं रहने दो, नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर पापा जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं इनको आशीर्वाद है, पूजा हो गई है और मम्मी भी बैठी हुई हैं, और इसके बाद पापा जी मेरे को आशीर्वाद दिलवाएंगे। और लव सुर भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, पापा जी कह रहे हैं कि मैं उनको वैसे ही दे दूंगा, घर पे ही, मतलब स्कूल गए वो। तो यहाँ पे पापा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और मम्मी बैठी हुई हैं, और मम्मी अपनी तरह से कुछ बोल रही हैं बाबाओं को। यहाँ पे मम्मी जो थाली निकली थी देवताओं की भोग की, तो उस थाली में सारी जो भी सामान बना हुआ था उसको मिक्स कर रही हैं मम्मी, और फिर इसके बाद मिक्स करके वो प्रसाद है ना मम्मी अपनी अम्माओं के जो देली बनाती हैं मम्मी, उस पर चढ़ाएंगी, और फिर वो सब। यहाँ पे हमने ब्राह्मण की थाली निकाल दी है, और इसमें है कद्दू की सब्जी और आलू मटर की सब्जी है, और रायता है, खीर है, पूड़ी है, यही मतलब मेन होता है प्रसाद में। वैसे तो और कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलू मटर ज़रूर बनेगा, क्योंकि वो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो आलू मटर तो बनना ही बनना है। यहाँ पे पंडित जी खाना खा रहे हैं और मम्मी उधर खड़ी हुई हैं। वो आज लव सुर भी नहीं आए हैं, तो वो जो वो करते थे ना आज इनको करना पड़ा है, तो ये बोल रहे हैं मम्मी मेरे से क्यों करवा रही हो, बच्चों का काम है। ये हमारा हॉल, इसकी करती है सफाई और काफ़ी गंदा हो रहा है,
सफाई करना एक चैलेंज है। शीशा वीशा सब ऐसे हो गया। यहाँ पे दादी पीछे मम्मी कपूरे की बेल है, तो यहाँ पे मम्मी बोलेंगी मैं कपूरे तोड़ ले रही हूँ, तो मैं मम्मी से बोलूँगी मम्मी आपको डर नहीं लगेगा, तो मम्मी कह रही है कि नहीं डर नहीं, मैं बाय पर ले जा रही हूँ साथ में। मैंने कि मम्मी मुझे तो ये डर लगता है, तो मम्मी को डर नहीं लगता, वो बाय पर लेके गई हैं और वहाँ पर वो कपूरे की। यहाँ पे लव है ना सो गए थे फिर उठ गए, और यहाँ पे अपनी वो कार को अपने खेलते खेलते ही बच्चे सो गए थे, और सुरभि सो रही है और वहीं पे उसकी कार रखी हुई है, और ये खाना वाना खा के स्कूल से आए थे, उससे पहले मैं आ गई थी, मम्मी ने कहा कि बच्चों के आने से पहले तुम लोग निकल जाओ, तो मैं फिर आ गई थी, ये लोग खाना वाना खाया इनने, फिर अपना थोड़ा होमवर्क किया, उसके बाद ये लेट गए तो इनको नींद आ गई।